तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फाइनटेक बीआर के में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने मीशो के जो भी प्रोडक्ट है उसको इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम की स्टोरी में शेयर कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो सीधा मीशो से ही। तो डायरेक्टली मैं मीशो से ही बताने वाला हूँ सारा कुछ। तो यहाँ पे मैं मीशो में चला गया हूँ। उससे पहले बता दूँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। जो नए आए उनके लिए ये सजेशन है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, जैसे यहाँ पे कोई भी अच्छा सा कोई भी एक प्रोडक्ट देख लेता हूँ, ठीक है। तो उसको मैं शेयर करके आपको दिखाता हूँ कि मीशो में किस तरीके से आपको कैसे शेयर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सारा ये जो है काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट भी। तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं शेयर के जो ऑप्शन दिए हुए हैं फेसबुक पे हैं, और यहाँ पे एक ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस पर सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम स्टोरी पर आपको सिंपली कर देना है क्लिक, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे पांच प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट होंगे आ जाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ अच्छे से कोई भी चार प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से चार प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, और प्रोडक्ट को शेयर पे यहाँ पे कर देना है सिंपली आपको क्लिक, ठीक है। तो शेयर पे क्लिक करने के बाद क्या होगा कि प्रोडक्ट होंगे जो आपको इंस्टाग्राम की स्टोरी पर शेयर करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सारा पहले तो अच्छे से डेमो आएगा बने के कि किस तरीके से ये बनता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी ऑटोमेटिकली डिज़ाइन बन जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे सेंड टू के ऊपर आपको सिंपली नीचे कर देना है क्लिक, ठीक है। सेंड टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको शेयर स्टोरी पे दोस्तों सिंपली कर देना है क्लिक, और डन पे कर देना है दोस्तों क्लिक। तो ये क्या होगा, आपके इंस्टाग्राम पर जो भी इंस्टाग्राम का आप जो पेज बनाया होगा आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट, उस पर आपके शेयर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अभी मैं इससे आता हूँ बाहर, और एक दो प्रोडक्ट और किस तरीके से ये इस टाइप का हो गया, और अभी एक और दूसरी टाइप से बता देता हूँ कि और किस टाइप से आप शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर वही करना है आपको, और यहाँ पे आप भी आपको पहले इंस्टाग्राम स्टोरी थी, अब इंस्टाग्राम पे आपको शेयर करना है, ठीक है। तो आपका जो भी वो जो आपने अकाउंट बनाया होगा उसमें आपको इस तरीके से ऑटोमेटिकली ये सारे शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो शेयर प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट अभी कर लिया है, और अभी मैं यहाँ पर शेयर प्रोडक्ट शेयर पर नीचे कर देता हूँ क्लिक, और यहाँ पे अभी ये इस तरीके से दिखाई देंगे, और ये आपको नेक्स्ट पे कर देना है सिंपली क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप इसको अलग से ऐसे अच्छे से कोई भी कलर दे सकते हो, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे कर देता हूँ वापस क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये यहाँ पे सारा इस तरीके से बता रहा है, लेकिन अभी हमें यहाँ पर उसका जो डिस्क्रिप्शन था वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। सबसे पहले आप लिख सकते हो कुछ डिलीवरी वगैरह अवेलेबल हैं इस तरीके से, आप यहाँ पे सारा वैसे हैं लिखा हुआ है, हमारे व्हाट्सअप नंबर भी आ जाएंगे यहाँ पे। तो सारा यहाँ पे हो गया है ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे आप एड लोकेशन भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप यहाँ पे कुछ टैग वगैरह भी डाल सकते हो। मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें आपने देखा होगा, वो वीडियो देख लीजिए आप कि टैग वगैरह किस तरीके से डाल लें। तो उसके बाद यहाँ पर सिंपली कर देते हैं शेयर पर क्लिक, ठीक है। तो शेयर पर क्लिक करने के बाद मैंने कर दिया इसको शेयर पर सिंपली क्लिक, तो ये प्रोसेस हो रहा है, और अभी कुछ ही समय में ये शेयर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये शेयर हो चुका है अभी इंस्टाग्राम पे। तो कुछ इस तरीके से अच्छे से पोस्ट ये दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें सियार जो सियारों डिज़ाइन है वो सियारों एक फ़ोटो में ही दिखाई दे रही है, इसलिए अच्छे से अच्छा दिख रहा है, और लोग इसे काफ़ी पसंद भी करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बस आपको करना है, और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स किस तरीके से बढ़ाएं आप इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कॉमेंट कर दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगा कि इंस्टाग्राम पर आप रियल इंडियन एक्टिव फॉलोअर्स किस तरीके से बढ़ा सकते हो, ताकि आपके शॉपिंग में काम आएंगे और आपकी अच्छी खासी शॉपिंग भी कर लेंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए अपना ही चैनल जय हिंद वंदे मातरम।